नमस्कार मित्रों, आज का जो वीडियो है वो FDI इन डिफेंस के ऊपर है। तो मेरे दूसरे वीडियो थे FDI के ऊपर, जिसमें मैंने FDI का विरोध किया था और कैसे FDI हम कम कर सकते हैं वो भी बताया था कि भारत में ज्यूरी सिस्टम लाएंगे तो इससे हमारे जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ेगी, इंजीनियरिंग बढ़ेगा और उससे ऑटोमेटिकली हमारी FDI की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो और FDI इन डिफेंस, अभी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि डिफेंस यानी वेपन मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में FDI अलाउ करेंगे, और दूसरा एक डिसीजन लिया जिसके ऊपर मैं कभी डिटेल में दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वो है FDI इन टेलीकॉम। टेलीकॉम में भी FDI शुरू किया था 23% से, 24% से, उसके बाद बढ़ा के 49%, फिर बढ़ा के 51%, 74% और अब 100% कर दिया। तो टेलीकॉम का FDI है वो भी बहुत नुकसान करता है, क्योंकि जो विदेशी फ़ोन कंपनी है, एक तो उसको स्पाइंग यानी जासूसी करने का एकदम आसान मौका मिल गया। वो टेलीफोन कॉल की आवाज़ सुने ना सुने, लेकिन कौन आदमी किसको फ़ोन करता है, कब फ़ोन करता है, कितनी देर उसने बात की, कितनी देर दोनों तरफ से फ़ोन किया, प्लस अभी जो मोबाइल फ़ोन है वो लोकेशन ट्रैकिंग का भी काम करता है कि मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, अहमदाबाद में तो किसके एरिया में हूँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अब ऑटोमेटिकली CIA के पास पहुँच जाएगी। तो इससे SPNOs को भी नुकसान हुआ, और प्लस जो फॉरेन टेलीकॉम कंपनी है वो युद्ध के टाइम पे कंट्री को ब्लैकमेल कर सकती है कि भाई अभी इतना पैसा नहीं दोगे, ये शर्त नहीं मानोगे, ये शर्त नहीं मानोगे तो आपका टेलीकॉम नेटवर्क पूरा बंद कर देंगे, दुश्मन आपको हरा देगा। तो इसलिए टेलीकॉम पर जो FDI, उस पर भी नुकसान होगा, पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो डिफेंस FDI से। डिफेंस FDI से क्या होगा कि जो अमेरिका की कंपनी आएगी भारत में हथियारों का उत्पादन करने के लिए, अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की वगैरह, ज़रूरी नहीं है कि वो मास प्रोडक्शन करें। यह जो तर्क दिया जाता है कि बाहर की विदेशी कंपनी आएगी और बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन करेगी, लेकिन वो जब तक उनका फ़ायदा और ज़रूरत है, वो जो भी कंपनियां डिफेंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगी वो US गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगी, और US गवर्नमेंट का हमेशा उन पर कंट्रोल रहेगा। US गवर्नमेंट उनको कहे कि हथियार का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो, तो दूसरे दिन उनको हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग बंद करना पड़ेगा। US गवर्नमेंट कहे कि सारे अपने इंजीनियरों को वापस इंडिया बुला लो, तो उनको सारे इंजीनियर, और वापस अमेरिका बुला लो तो सारे इंजीनियरों को इंडिया से निकाल के वो अमेरिका वापस भेज देगी कंपनी, तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग, हथियारों का उत्पादन, सब कुछ बंद हो जाएगा। और उनको कहा हो कि 5000 टैंक का उत्पादन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, ज़रूरी नहीं है कि वो करे, और कुछ सज़ा नहीं कर सकते। सज़ा वो FDI में वर्स्ट केस में सज़ा क्यों होगी, वो कंपनी बंद करके चले जाएंगे। तो इस तरह से कोई गारंटी नहीं है कि वो हमको हथियार देंगे और अच्छी क्वालिटी के देंगे। प्लस जितने भी हथियार विदेशी कंपनियां देती है, या तो विदेशी कंपनियां भारत में आके बनाएगी, हर एक हथियार में किल स्विच आएगा। किल स्विच क्या होता है आप गूगल करना, किल स्विच वेपन इसके ऊपर गूगल करना, और दूसरा ट्रोजन और वेपन्स इसके ऊपर भी आप गूगल करना। इसमें एक एग्जांपल आपको मिलेगा, सीरिया एक और गूगल करना, सीरिया रडार किल स्विच, या तो सीरिया रडार हार्डवेयर ट्रोजन। तो सीरिया ने एक रडार खरीदा था, रशिया या फ्रांस की कंपनी से खरीदा था, और वो रडार दुनिया का सबसे अच्छा रडार था कि मक्खी को भी डिटेक्ट कर ले, इतना अच्छा रडार था। लेकिन जिस दिन इजराइल का प्लेन आए बम फेंकने के लिए, तो कुछ 15-20 मिनट आधे घंटे तक वो रडार ने काम नहीं किया, और आधे घंटे बाद फिर से वो रडार काम करने लगा। और बाद में उसका पता चला कि वो कैसे था, कि जिस कंपनी ने वो रडार बनाया था उसमें उसने किल स्विच रखे थे, यानी एक स्पेसिफिक सिग्नल यदि रडार को भेजा जाए तो वो रडार 15-20 मिनट के लिए काम करना बंद कर देगा। ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा सिस्टम मैन्युफैक्चरर ने बना के रखा था। तो उस मैन्युफैक्चरर ने इसराइल को वो कोड भेज दिए, इसराइल ने वो प्लेन, फाइटर प्लेन भेजने से पहले वो कोड इस्तेमाल किए, रडार ने 15-20 मिनट आधे घंटे तक प्लेन डिटेक्ट करना बंद कर दिया, बमबारी करके जो भी चीज़ें जितनी उड़ानी थी उड़ा के इसराइल के प्लेन वापस चले गए। तो हम ये जो FDI के जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी वो हर एक इक्विपमेंट में किल स्विच डालेगी, और किल स्विच को ढूंढना नामुमकिन होता है।
ये बड़े 30 मार खा बने घूमते हैं कि भाई उसको पूरा रिवर्स इंजीनियर करके रिवर्स टेस्ट करके देख लेंगे कि कहीं किल स्विच है या नहीं। एक बार हार्डवेयर में, एक बार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किल स्विच चला जाए, उसके बाद उसको ढूंढना प्रैक्टिकली नामुमकिन होता है। ये डिफेंस डिपार्टमेंट ने भी एडमिट किया था कि यदि कोई चिप लेवल का हार्डवेयर ट्रोजन रख देता है, चिप के अंदर यदि कोई हार्डवेयर ट्रोजन रख देता है, तो एक बार ट्रोजन रखने के बाद वो ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए अमेरिका ने के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि 2015 के बाद जितना भी वेपन मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होगा उसका एक एक चिप, एक एक पीसीबी अमेरिका में मेड इन यूएसए होगा। इतना ही नहीं, जिस फाउंड्री में, जिस कंपनी में डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए वेपन में काम आने वाला चिप बन रहा है, वेपन में काम आने वाला पीसीबी बन रहा है, वहाँ पे डिफेंस डिपार्टमेंट का सुपरविजन होगा और उसका जो स्टाफ है, फिर स्टाफ में झाड़ू पोछा करने वाला हो या फिर टॉप मोस्ट साइंटिस्ट इंजीनियर हो, रिक्रूटमेंट से पहले डिफेंस डिपार्टमेंट उसका इंटरव्यू लेगी, उसका लाइट डिटेक्शन टेस्ट करेगी। नार्को टेस्ट नहीं करते वो, तो क्रिमिनल, उनको डाउट लगे तभी नार्को टेस्ट होता है, पर लाइट डिटेक्शन टेस्ट होगा, उसका पर्सनालिटी इवोल्यूशन होगा कि कहीं ये अंदर से दुश्मन से मिला तो नहीं हुआ ना, ये अमेरिका से नफरत तो नहीं करता ना, इस तरह से पर्सनालिटी इवोल्यूशन होगा, उसके बाद ही वो उस कंपनी में काम कर पाएगा। मतलब स्टाफ का एक एक आदमी वो लोग डिसाइड नहीं करेगी कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, लेकिन उसके स्टाफ पे वो लोग सुपरविजन रखेंगे कि कहीं ये अंदर से दुश्मन से मिला हुआ तो नहीं है ना। और इतनी प्रिकॉशन अमेरिका ले रहा है और हम यहाँ पे पूरी की पूरी अमेरिका की कंपनी को यहाँ आके वेपन मैन्युफैक्चरिंग करने की परमिशन दे रहे हैं, मतलब कितना बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। अब जो कंपनी आएगी वो किल स्विच तो रखेगी, प्लस इकोनॉमिकली भी क्या होगा कि वो जितना उत्पादन करेगी उसमें से जो मुनाफा होगा, उस मुनाफे के बदले में यदि कंपनी को डॉलर चाहिए तो हमें डॉलर देना पड़ेगा। ये एफडीआई की एक शर्त होती है। एफडीआई की शर्त क्या होती है कि इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है उसमें से उसने जितना प्रॉफिट किया, यदि वो प्रॉफिट देश के बाहर ले जाना चाहे तो सिर्फ उसको टैक्स भरना पड़ता है, यदि वो देश के अंदर रखे तो टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो उससे भी नुकसान क्या होगा कि जो लोकल इंडियन आदमी है उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो एफडीआई वाला आदमी है वो टैक्स नहीं भरेगा तो उसके चीज़ें सस्ती होगी, और जब उसने एक बार लोकल आदमी को खदेड़ दिया कॉम्पिटिशन में से, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट बढ़ा लेगा, वो कहेगा कि मुझे कंट्री के बाहर प्रॉफिट ले जाना पड़ा है तो डॉलर देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली रुपये का दाम जो वैसे ही 60 रुपया और 100 रुपया होने वाला है वो 200 रुपया हो जाएगा। और उसका वो इस्तेमाल किस में करेंगे, जमीन खरीदने में, यानी कि और हमको जमीन चाहिए, यानी पूरे के पूरे शहर खरीदने की कैपेसिटी उनमें आ जाएगी। और उसके बाद वो कंडीशन भी रख सकते हैं कि भाई ये पूरा एक इलाका हमको ऐसा चाहिए कि जहाँ पे, जो कि अमेरिका की गवर्नमेंट के अंडर में आता हो, कि मान लो पूरा पोर्ट है, समुद्र के किनारे कोई इलाका है, उन्होंने बोला कि भाई ये पूरा इलाका हमें चाहिए कि जो कि जहाँ पे भारत सरकार की कानून अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ अमेरिका के कानून अप्लाई होंगे, तो इलाका हमको देना पड़ेगा क्योंकि हथियार वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यदि उन्होंने हथियार देना बंद कर दिया तो दूसरे दिन पाकिस्तान या चीन या कोई और देश आके हम पे चढ़ बैठेगा। ऊपर से जो हथियार बनाने वाली कंपनी होती है वो बाकी एफडीआई कंपनियों वाली को भी डिमांड होती है, पर हथियार बनाने वालों की कंपनियां क्यों 10 गुनी डिमांड रखती है, क्योंकि वो जब कहते हैं कि ये हमारी डिमांड पूरी करो वरना हम हथियार मैन्युफैक्चर करना बंद कर देंगे, तो साथ में एक दूसरी धमकी होती है कि पाकिस्तान को हम 10 गुने हथियार देंगे। जो कंपनी हमारे लिए फाइटर प्लेन, जो कंपनी हमारे यहाँ के फाइटर प्लेन बना रही है, वो कंपनी जब कहे कि हम इतना 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 करो वरना फाइटर प्लेन नहीं देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इतना इतना नहीं किया तो तुमको हम फाइटर प्लेन नहीं देंगे और पाकिस्तान को 10 फाइटर प्लेन देंगे। तो ऐसे हालत में जितने वेपन है वो मेड इन इंडिया होने चाहिए और मेड बाय इंडियन होने चाहिए, जो कि राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो, उसमें मैंने काफ़ी टाइम पहले कहा था कि हथियारों का उत्पादन सिर्फ भारत में नहीं होना चाहिए, वो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, यानी कि चिप से लेके पीसीबी से लेके किल सुई नोक लेके एक एक चीज़ है वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए, वो हाईटेक हो या लो टेक हो। अब आखिर राउंड में क्या होता है एफडीआई का नतीजा, कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनका ये मकसद होता है, जो कि बाकी देशों में वो कर चुके हैं, भारत में भी करने की कोशिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो होता है जो जिस देश में वो जाते हैं, वो अफ्रीका हो या भारत हो या थाईलैंड हो या फिलीपींस हो या साउथ कोरिया हो,
वहां के धर्मों को खत्म करना और उसकी जगह ईसाई धर्म लाना, जो काम उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों ने साउथ कोरिया में किया। साउथ कोरिया में मल्टीनेशनल कंपनियों की एंट्री हुई 1960 में, 1980 तक उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं किया। 1960 में वहां क्रिश्चियनिटी थी कुछ 3-4%, 1980 में भी थी वहां पे क्रिश्चियनिटी 3-4-5%, 6%, कुछ ज्यादा खास बढ़ी नहीं। 1980 तक पूरी साउथ कोरिया की इकोनॉमी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में आ गई, यानी इकोनॉमी कागज पे तो साउथ कोरिया के इंडस्ट्रियल हाउस पे ही थी, पर वो साउथ कोरिया के सारे इंडस्ट्रियल हाउस थे वो किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी पे एक्सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट थे या तो टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट थे। और 1980 से उन्होंने ध्वंस जमाना शुरू किया, तो ये 30-35 साल का नतीजा क्या हुआ कि वहाँ पे अभी क्रिश्चियनिटी 40-45% हो गई है, और जो बाकी 60% बुद्धिस्ट है उनमें से आधे लोग अपने को बुद्धिस्ट कहने से डरते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है, नॉन डिनोमिनेशनल। साउथ कोरिया में आधे बुद्धिस्ट है वो अपने आप को नॉन डिनोमिनेशनल कहते हैं, कि यानी हम किसी भी धर्म में नहीं मानते, मानव धर्म में मानते हैं, ऐसे उठपटांग जवाब देंगे। और बाकी सिर्फ 30% लोग ही कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट है, और वो इकोनॉमी में से वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए, गवर्नमेंट में से वॉश आउट हो गए। वहाँ पे उनका जो मंत्रिमंडल है वहाँ पे अभी एक बुद्धिस्ट प्रेसिडेंट आया, वरना पिछले 20 साल से उनके प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट होते थे। इससे पहले का जो प्रेसिडेंट था क्रिश्चियन होते थे, इससे पहले का जो प्रेसिडेंट था वो क्रिश्चियन था, और उसके जो 14 मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी कहते हैं, 14 मिनिस्टर थे, उनमें से 11-12 मिनिस्टर क्रिश्चियन थे। और वहां गवर्नमेंट में सारा सीनियर स्टाफ अब क्रिश्चियन है। मल्टीनेशनल कंपनियों में आप जाओगे, वहां बड़ी कंपनियों में जाओगे, तो अधिकतर इंजीनियर साइंटिस्ट सब क्रिश्चियन है। वहां पे बुद्धिस्ट में एजुकेशन बहुत खराब है, वहां पे एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन सिर्फ मिशनरी स्कूल में मिलता है, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत एकदम खराब है। ये सारे पॉलिसी डिसीशन है वो मल्टीनेशनल कंपनियां एक के बाद एक लेती है। अब तो FDI की सारी कंपनियां ये डिसीशन एक के बाद एक लेगी, और एंड में जो वेपन मेकिंग FDI है वो और खराब कर देगी। वास्तव में देखो तो हमारी हथियारों का उत्पादन बढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि ये जितनी विदेशी कंपनी आई थी, कोका कोला से लेके हच से लेके सारी कंपनियां, इन कंपनियों ने ही हमारे मंत्रियों को, अफसरों को, न्यायाधीशों को घूस देके ऐसी पॉलिसी बनवाई कि हमारे हथियारों का उत्पादन न बढ़े। और यदि कोई हथियारों का उत्पादन को बनाने करने की कोशिश करता है कोई मिनिस्टर या कोई अधिकारी, तो जुडिशरी के द्वारा उसको फिट कर देंगे, या तो किसी और मिनिस्टर को पैसे देके उसका ट्रांसफर कर देंगे, या तो उसको कोने में धकेल देंगे। यानी कि जो पिछले 20 साल में मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो जिस तरह का रिश्वतखोरी चलाई, उसी की वजह से आज हमारा ये परिस्थिति है कि चीन इतने सारे वेपन मैन्युफैक्चर कर रहा है और हम वेपन मैन्युफैक्चरिंग नौके बराबर कर रहे हैं। AK-100 राइफल भी इंपोर्ट हो रही है, कहने के लिए जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है मेड इन इंडिया, उसका कोर भी मेड इन रशिया है। ये टैंक है, अर्जुन टैंक है, वो अभी तक 50 टैंक भी नहीं बने अर्जुन टैंक। मिलिट्री में जितने भी टैंक है सारे के सारे टैंक मेड इन रशिया है। फाइटर प्लेन या तो जगुआर है वो मेड इन ब्रिटेन है, मिराज है वो शायद मेड इन फ्रांस है, और मतलब ब्रिटेन और फ्रांस ये दो के हम प्लेन इस्तेमाल करते हैं सारे फाइटर प्लेन। एक बस लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बर प्लेन बना तेजस, पर वो भी अभी बड़े पैमाने पे कोई डिप्लॉय नहीं हो पाया। तो ये FDI में जो डिसीशन लिया 100% FDI का, वो बहुत गलत डिसीशन है। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि सारी पार्टियों के नेता ने इसको सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया। करना पड़ा, करना क्यों नहीं पड़ा, क्यों उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये सब मीडिया पे डिपेंडेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों का सैटेलाइट है, उनका दलाल है, या उनका एम्प्लॉई को या उनका चपरासी को जो भी को, टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों पे, ये जितने अधिकतर टीवी चैनल है, टाइम्स नाउ है, ये भी सब मल्टीनेशनल। स्टार न्यूज़ है वो तो ऑफिशियली मल्टीनेशनल है, वो तो है ही बाहर के चैनल। सोनी टीवी वो भी बाहर के चैनल है। तो ये अधिकतर न्यूज़ चैनल भी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में है। ये जो पॉलिटिशियन है उन सबकी पार्टी और नेटवर्क तो खत्म हो चुका है करीब करीब, ऑर्गेनाइजेशन वो सब मीडिया पे आधार रखते हैं, पेड मीडिया पे। तो पेड मीडिया पूरा MNC के अंडर में है, इसलिए सारे नेताओं ने इसको सपोर्ट किया। बीजेपी के सारे नेताओं ने FDI इन डिफेंस को सपोर्ट किया, नरेंद्र मोदी जी को भी सपोर्ट करना पड़ा, नहीं करते तो मीडिया दूसरे दिन उनको बदनाम कर देती। और जो जुडिशरी है जो मल्टीनेशनल कंपनियों के अंडर में, वो भी उनको जेल भेज देती।
इतने सारे केस उनके सामने खड़े किए जा सकते हैं, है या तो खड़े किए जा सकते हैं। सोहराबुद्दीन मर्डर केस है, इशरत जहां मर्डर केस है, अभी भी 2002 के रायट के केस अभी भी चल रहे हैं। किसी भी केस में उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अरविंद गांधी ने भी सपोर्ट कर दिया FDI इन ये डिफेंस को। तो इसमें हम किसी पॉलिटिशियन से उम्मीद मत रखें अभी, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो मीडिया पे इतने डिपेंडेंट है, वो प्रैक्टिकली मीडिया पे अब सारा उनका पब्लिसिटी कैंपेन आज पेड मीडिया चला रहा है। और पेड मीडिया है वो पॉलिटिशियन से पैसे लेता है 10 रुपया, लेकिन 90 रुपया तो उनको MNC से आता है। यदि पॉलिटिशियन कहेगा 20 रुपया लो तो वो 20 रुपया लेंगे, लेकिन पैदल तो पॉलिटिशियन के पास इतना, मल्टीनेशनल कंपनियों के पास जितना पैसा उतना है नहीं। कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, आज जो रॉकफेलर की कंपनियां हैं, शेवरॉन और डुपोंट और शेल डुपोंट की नहीं है पर वो ब्रिटेन की रानी के, ब्रिटेन की रानी की शेल में 5% ओनरशिप है, दूसरे जो ब्रिटेन के इलीट है उनकी कुछ मिला के 20-25% इलीट है, और बाकी हॉलैंड के लोगों की कंपनी है शेल। फिर टेक्साको, ये जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उसका बजट, उसकी रेवेन्यू गुजरात गवर्नमेंट से डबल होगी। ये जो ऑयल कंपनियां रॉकफेलर के अंडर में जो ऑयल कंपनियां हैं, उस ऑयल कंपनियों का टोटल रेवेन्यू गुजरात के बजट, पूरे इंडिया के बजट से ज़्यादा होगा, और उनका जो प्रॉफिट है वो पूरे गुजरात के बजट से ज़्यादा होगा। इसलिए इंडिया का कोई पॉलिटिशियन उतने पैसे नहीं दे सकता मीडिया को जितना कि रॉकफेलर और रॉसचाइल्ड और ये सब लोग दे रहे हैं। इसलिए मीडिया है वो अंत में रॉकफेलर रॉसचाइल्ड अमेरिका के जो अमीर है उन्हीं की बात कहेगी। इसलिए किसी इंडियन पॉलिटिशियन की ये कहने की हिम्मत नहीं होगी कि वो डिफेंस के FDI का विरोध करे। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें एक्टिविस्ट, पहले तो बुनियादी कमजोरी को स्टडी करना चाहिए कि हम क्यों वह वेपन नहीं बना सकते जो कि चाइना बना रहा है, अमेरिका बना रहा है। हम क्यों वो हथियार नहीं बना सकते जो कि रोमानिया 1960 में बनाता था, AK-74 जैसे, AK-74 जैसी जो राइफल है, AK-47 राइफल है, वो रोमानिया 1960 में बनाता था, और हम रो पीट के आज बना रहे हैं। इंसास राइफल है वो AK-47 है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी रोमानिया के AK-47 जितनी नहीं है। वो कारगिल की ठंड में जैम हो जाती है, राजस्थान की रेत की आंधी आती है तो रेत उसमें घुस जाती है, बाद में वो जैम हो जाती है। इसलिए कारगिल के युद्ध के समय इंसास राइफल का उपयोग नहीं किया गया था। जो हाइट पे गए थे, जो सोल्जर हाइट पे, जो मैदान में थे वो कर सकते थे, पर जो सोल्जर हाइट पे गए थे वो रोमानिया, बल्गेरिया, रशिया, इन सब देशों से मैन्युफैक्चर हुई AK-47 या AK-74 राइफल यूज़ करते हैं। तो ऐसी क्या हमारी कमजोरी है कि हम राइफल मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते? ये ऐसी क्या कमजोरी है कि हम टैंक नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते जो कि जर्मनी 1940 में करता था, और वो भी बड़े पैमाने पे। रशिया था वो 1943 में हर साल 15,000 टैंक बनाता था, और हम उसके लेवल की टैंक आज भी नहीं बना पा रहे। फिर हम फाइटर प्लेन तो दूर की बात रही, मतलब ये सब बना नहीं पा रहे, नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग स्किल कम है। इंजीनियर की डिग्री बहुत है पर जो ग्राउंड इंजीनियरिंग स्किल है जो कि फैक्ट्री में काम आती है, छोटे छोटे एक एक डिसीजन मेकिंग लेवल पे, वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री शुरू करता है, जो उद्योगपति छोटा बड़ा कोई भी, तो उसका बहुत सारा टाइम फिजूल खर्ची में वेस्ट हो जाता है। इनकम टैक्स वाले आके उसको परेशान करेंगे, वैट वाले आके परेशान करेंगे, अभी पुणे में एक और आ गया है लोकल बॉडी टैक्स करके, वो आके उसको परेशान करेगा। फिर ये प्रोविडेंट फंड है, एक्साइज वाले, कस्टम वाले, ऑक्ट्रॉय निकल गया थैंकफुली, वरना पहले ऑक्ट्रॉय वाले भी आके परेशान करते थे, फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले, तो ये सब इतने लोग आके उसे परेशान करते हैं जो कि अमरीका में ज़ीरो है। चाइना में भी परेशानी जीरो है, चाइना में करप्शन है पर किस तरह से है कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का एक आदमी आके देख लेगा कि तुमने कितना पैसा कमाया, और महीने में एक या दो महीने में एक बार वो रिश्वत लेने आएगा, और वो रिश्वत में वो बकवास इन्वॉइस दे देगा। कोई इन्वॉइस देख के फैक्ट्री का मालिक समझ जाएगा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का रिश्वतखोरी का इन्वॉइस है, चेक से पैसा दे देगा। बाद में कोई अफसर आके उसे परेशान नहीं करेगा, लेबर डिपार्टमेंट हो या प्रोविडेंट फंड हो या पॉल्यूशन कंट्रोल, कोई अफसर आके परेशान नहीं करेगा। वो आके इतना अफसर आएगा पर वो इतना ही देखेगा कि कानून तुम फॉलो कर रहे हो नहीं, मतलब जो उनके रियल लॉज है। कागज पे तो वहाँ पे भी उन्होंने स्विट्जरलैंड जितने अच्छे लॉ लिखे हैं, भारत हो या चाइना हो,
या दुनिया का कोई भी देश हो जो यूएन रेजोल्यूशन पास किए अलग अलग, उसकी वजह से क्या हुआ कि हर एक देश ने पॉल्यूशन के लिए मामले में, लेबर के मामले में अफलातून कानून पास किए हैं। पर रियल लॉ क्या होता है कि जो कि वास्तव में फॉलो करना होता है, तो चाइना में कोई भी उद्योगपति जाता है बाहर का या चीन का, तो उसको कह देते कि ये कागज के लॉ है, वो तुम फाड़ के फेंक दो, और ये रियल लॉ है, ये रियल लॉ है, वो तुम्हें फॉलो करना है। तो अफसर आके देख लेगा कि रियल लॉ फॉलो कर रहे हो या नहीं, और नहीं कर रहे हो तो फैक्ट्री बंद करा देगा, कर रहे हो तो एक भी रुपया लिए बिना चला जाएगा। और महीने में सिर्फ एक बार एक आदमी रिश्वत लेने आएगा, और पूरा वो आपस में अंदर अंदर जैसे भी बांट लेते हो, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशानी नहीं होती। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री खोलता है 10-15 लेबर वाली, तो उसका जीना हराम हो जाता है। अलग अलग तरह के सरकारी अधिकारी है, वो यहाँ तक कि कोई 30-40 लेबर वाला फैक्ट्री का चलाता हो तो एक्साइज कमिश्नर का फैमिली जब घूमने आता है तो एक्साइज इंस्पेक्टर उसको फोन करता है कि भाई हमारे कमिश्नर के फैमिली मेंबर घूमने आ रहे हैं, गाड़ी भेजो, गाड़ी के साथ एक आदमी भेजो जो कि उनको शॉपिंग कराने ले जाएगा, रेस्टोरेंट में घुमाने ले जाएगा, खाना खिलाने ले जाएगा। और अब वो आदमी भी पैसा खाएगा यानी किस तरह से, कि मान लो कमिश्नर के फैमिली मेंबर ने 10,000 रुपये की शॉपिंग की, 2,000 रुपये का खाना खाया, 12,000 का खर्चा हुआ, तो मान लो मैंने अपना आदमी भेजा, मेरा आदमी बोलेगा 15,000 खर्च हुआ, तो वहाँ मुझे 3,000 का घाटा और हो गया, प्लस मुझे एक गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, एक PRO का इंतजाम करना पड़ेगा, तो मेरा कितना सारा टाइम ऐसी फिजूल चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा। वो वेस्टेज अमेरिका में जीरो है, चाइना में 10% ऑफ इस टाइम मान लो, तो इंडिया में 30-40% ऑफ टाइम आ जाता है। और इतने सारे लोग हैं जो कि इडियोसिंक्रेसी से बंद कर देते हैं। चाइना में मान लो कोई अदालत में केस जाता है तो हफ्ते दो हफ्ते में उसका जजमेंट आता है, अनफेयरनेस ज्यादा है वहां पे अमेरिका के मुकाबले, भारत के मुकाबले कम है। अमेरिका में कोई जजमेंट जाता है तो महीने दो महीने लगते हैं, पर अनफेयरनेस बहुत कम है। तो उसके, और भारत में यदि कोई कोर्ट में केस जाता है तो दो दो तीन साल तक जजमेंट नहीं आता, तो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फंसा रहता है, उसके मगज में हमेशा टेंशन रहता है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसके दिमाग में हमेशा एक लटकती तलवार रहती है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ इंजीनियरिंग एफिशिएंसी बहुत पुअर है, और इसलिए हमें विदेशियों से टेक्नोलॉजी मंगानी पड़ती है। तो विदेशी है वो भाव खाता है कि हम टेक्नोलॉजी देंगे लेकिन तुम हमें ओनरशिप दो, ओनरशिप दो तभी हम टेक्नोलॉजी देंगे। और वो हम टेक्नोलॉजी खरीद के लाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो आदमी नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को चला सके। वो जो प्रोप्राइटरशिप ये टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी होती है, जो अल्ट्रा हाई टेक्नोलॉजी होती है, वो लोग जानबूझ के ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि दूसरा आदमी उसको चला ना पाए। देखो DVD प्लेयर है वो मास कंपटीशन की चीज़ होती है, मास मार्केट की चीज़ है, इसलिए हर एक DVD प्लेयर बनाने वाला जितना हो सके उतना आसान बनाने की कोशिश करता है कि आदमी उसको आसानी से चला सके ताकि उसका ज़्यादा माल बिके। लेकिन वेपन मैन्युफैक्चरिंग की जो असेंबली लाइन होती है, वो जो भी कंपनियां बनाती है, हैमर बनाती है, लॉकेट बनाती है, बोइंग है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है अमेरिका की, 10-15 कंपनियां वेपन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है, वो असेंबली लाइन की चीज़ें जानबूझ के इतनी मुश्किल बनाते हैं कि यदि वो किसी देश को बेची जाए तो वो देश के इंजीनियर उसको चला भी ना सके, उसको अमेरिका के इंजीनियर मंगाने पड़े वो असेंबली लाइन चलाने के लिए। तो ये हम उनकी टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमको खुद ही टेक्नोलॉजी ग्राउंड से डेवलप करनी पड़ेगी। तो मेरा क्या आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे कानूनों का स्टडी करो कि वहाँ पे इतने कॉम्प्लेक्स वेपन बनने की फैक्ट्रियाँ बन पाई, हम क्यों नहीं बना पाए। और उसके पीछे कानून आएंगे, ये राइट टू रिकॉल का कानून, ज्यूरी सिस्टम का कानून, वेल्टेक्स का कानून, बहुत सारे इस तरह के कानून है। अब तो ये सारे कानून के लिए भारत में लाने के लिए हमें मुहिम करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने हो सके सिटीजन, 80 करोड़ सिटीजन टारगेट है, लेकिन 80 करोड़ नहीं तो 10, 15, 20, 25, 50 जितने सिटीजन को आप मिल सको, आप उतने सिटीजन को कहो कि वो SMS से अपने MP को ऑर्डर भेजे कि भारत के गैजेट में ज्यूरी सिस्टम का ड्राफ्ट छापा जाए, भारत के गैजेट में वेल्टेक्स का ड्राफ्ट छापा जाए, भारत के ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट छापा जाए। यदि 40 करोड़ नागरिक अपने MP को SMS से कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर भेजते हैं, एक नागरिक 50 ऑर्डर भेज सकता है, मैं 1500 ऑर्डर भेजने वाला हूं अपने MP, 1500 नहीं 250 ऑर्डर भेजने वाला हूं अपने MP को, यदि 40 करोड़ नागरिक एक SMS भेजते हैं अपने अपने सांसदों को, तो दूसरे दिन अहिंसा मूर्ति महात्मा
उधम सिंह प्रधानमंत्री को मिलने जाएंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप ये ड्राफ्ट गैजेट में छापो, प्रधानमंत्री उनकी बात मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो उसके बाद के प्रधानमंत्री मान लेंगे। तो इस तरह से भारत में अच्छे कानून हम छपवा सकते हैं। कैसे? करोड़ों नागरिक SMS से MP को ऑर्डर भेजे तो वो कानून गैजेट में आ जाएगा। बस इसमें मैं समराइज करूंगा, डिफेंस में FDI बहुत गलत डिसीजन है, उससे पूरी मिलिट्री है वो विदेशियों पे डिपेंड हो जाएगी, जनरल से लेके हर एक आदमी है वो विदेशियों पे डायरेक्ट डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हथियार होती है। हथियार खत्म हो गए या हथियार चलने बंद हो गए तो सारे सैनिक मारे जाएंगे, सेना की एफिशिएंसी पूरी खत्म हो जाएगी। और जो विदेशी होता है वो हमेशा युद्ध के टाइम पे या तो 10 गुने पैसे मांगता है या तो सामने वाला 20 गुना पैसा दे तो उसके हथियार बंद करा देता है। जैसे इराक के पास मेड इन अमेरिका वेपन्स थे ईरान इराक का जब युद्ध हुआ तो अमेरिका ने ईरान को पछाड़ने के लिए इराक को मुंह मांगे वेपन दिए थे सस्ते दामों पे। जब अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ तो वो सारे वेपन्स काम करने बंद हो गए। इतना ही नहीं, इराक ने जो वेपन रशिया से खरीदे थे वो भी आधे से ज़्यादा चले नहीं। ऐसा कहते हैं कि अमेरिका ने रशिया के इंजीनियरों को रिश्वत देके उसके किल स्विच का कोड खरीद लिया था और वो किल स्विच एक्टिवेट होने की वजह से इराक के अधिकतर कॉम्प्लेक्स वेपन थे वो टेक ऑफ ही नहीं हुए। और इस तरह से तो हमारे जो विदेशी FDI आएगी तो उससे भी यही प्रॉब्लम होगा कि हमारे हथियार की किल स्विच उनके हाथ में आएगी। अब इसका उपाय है कि हम अपनी इंजीनियरिंग स्किल बढ़ाएं। कैसे हम अपनी इंजीनियरिंग स्किल बढ़ा सकते हैं? भारत में जूरी सिस्टम लाकर, वेलटेक्स लाकर और राइट टू रिकॉल लाकर। कैसे हम ये कानून ला सकते हैं? हम सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करें कि वो अपने MP को SMS से ऑर्डर भेजे कि ये सारे कानून ड्राफ्ट में छापे। धन्यवाद।